पैगाम कौम के नाम, मस्जिदों को बस नमाज पढ़ने की ही जगह ना बनाएं, वहां गरीबों के खाने का इंतजाम हो, डिप्रेशन में उलझे लोगों की काउंसलिंग हो, उनके पारिवारिक मसलों को सुलझाने का इंतजाम हो, मदद मांगने वालों की मदद की जाने का इंतजाम हो, जब दरगाहों पर लंगर चल सकता है तो मस्जिदों में क्यों नहीं, और खैर खैरात करने में मिल्लत का कहां कोई मुकाबला है। हम आगे आएंगे तो सब बदलेगा। मस्जिदों में एक शानदार लाइब्रेरी हो, जहां दीन की हर किताब के साथ साथ दूसरी किताबें भी पढ़ने का इंतजाम हो। बहुत हो गए मार्बल, झूमर, एसी पर खर्च, अब उन्हें बंद करके कुछ ऐसी जगह लगाना है जहां पैसा सही लगे। समाज या कौम के पढ़े लिखे लोगों का इस्तेमाल करें, डॉक्टरों से फ्री इलाज के लिए कहें, मस्जिद में ही कहीं कोई जगह देकर वकील, काउंसलर, टीचर आदि को भी मस्जिद में अपना वक्त देने को बोलें, और ये खिदमत हर धर्म के मानने वाले के लिए बिल्कुल मुफ्त हो। इसके लिए लगभग सभी लोग तैयार हो जाएंगे। जब दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मसरूफ सर्जन मुफ्त कंसल्टेशन के लिए तैयार रहते हैं तो आम डॉक्टर या काउंसलर क्यों नहीं होंगे। जरूरत है बस उन्हें मैनेज करने की। इमामों की तनख्वाह ज्यादा रखें ताकि जो काबिल लोग हैं वो सामने आएं और रहबरी करें। मदरसों से छोटे छोटे कोर्स शुरू करें, कुछ करेस्पॉन्डेंट्स कोर्स भी हो। ट्रस्ट के शानदार हॉस्पिटल और स्कूल खोलें, जहां सभी को ईमानदारी और बेहतरीन किस्म का इलाज और पढ़ने का मौका मिले। इनमें से एक भी सुझाव या मशवरा नया नहीं है, सभी काम 1400 साल पहले मदीने में होते थे। हमने उनको छोड़ा और हम बर्बादी की तरफ बढ़ते चले गए और जा रहे हैं। रुकें, सोचें और फैसला लें। इस मैसेज को हर एक अफराद तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है, लिहाजा इसे फॉरवर्ड करना ना भूलें।